ये एक्ट्रेस जब टीवी पर बहू बनकर सामने आती हैं, तो हर किसी की सांसें थम सी जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बनाने वाली खूबसूरत अदाकारा देवोलीना भट्टाचार्य जी की। आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स बताने वाले हैं। देवोलीना का जन्म 22 अगस्त 1990 को आसाम के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देवोलीना के परिवार में उनकी माँ और एक छोटा भाई है। वो अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं। देवोलीना के पिता नेशनल गैस कॉरपोरेशन में काम करते थे। जब वो छोटी थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। देवोलीना हमेशा से ही एक पढ़ाकू स्टूडेंट थी। असम के गोदुला ब्राउन मेमोरियल इंग्लिश हाई स्कूल से उनकी स्कूलिंग हुई है। इसके बाद देवोलीना ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली से आगे की पढ़ाई की। उन्होंने बीकॉम के साथ ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है। हालांकि पढ़ाई के साथ साथ देवोलीना को भरतनाट्यम और अभिनय का भी काफी शौक था, लेकिन ये शौक कब जुनून में बदल गया इसकी खबर देवो को भी नहीं हुई। देवोलीना ने अपने करियर की शुरुआत बतौर ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में तो कर ली, लेकिन उनका मन तो हमेशा से एक्टिंग की तरफ ही भागता था, इसलिए उन्होंने इस फील्ड में करियर बनाने का फैसला किया। धीरे धीरे देवोलीना नाटक और प्ले में हिस्सा लेने लगी। इसी दौरान देवोलीना को माया नाम के एक प्ले के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। देवोलीना को भरतनाट्यम में महारत हासिल है। अपनी डांसिंग स्किल को आगे ले जाने के लिए देवोलीना ने साल 2010 में डांस इंडिया डांस सीजन 2 में भी हिस्सा लिया। यहीं से देवोलीना के टीवी करियर की शुरुआत हुई। साल 2011 में उन्हें सीरियल समारे सबके सपने प्रीतों में पहला ब्रेक मिला। इस सीरियल के बाद ही देवोलीना को स्टार प्लस के पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया में लीड एक्ट्रेस गोपी बहू का किरदार निभाने का मौका मिला। गोपी बहू के किरदार से लोगों ने देवोलीना को खूब पसंद किया। इस शो के बाद देवोलीना टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन गई। साथ निभाना साथिया के बाद देवोलीना का सक्सेस ग्राफ बढ़ता ही गया। इस शो के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवोलीना ने साल 2012 से साल 2017 तक साथ निभाना साथिया सीरियल में काम किया। इसके बाद देवोलीना लाल इश्क और कुंडली भाग्य जैसे शोज में भी नजर आईं। साल 2019 में देवो टीवी के सबसे पॉपुलर शो बिग बॉस सीजन 13 में अपना दमखम दिखाती नजर आईं। इसके बाद वो बिग बॉस के इस सीजन में भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। देवोलीना अभी सिंगल हैं, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। हालांकि उनके को स्टार विशाल सिंह के साथ उनके अफेयर की चर्चाएं काफी दिनों तक चली, लेकिन दोनों ने कभी अपने रिलेशन को पब्लिक में एक्सेप्ट नहीं किया। साल 2013 में देवोलीना को ITA अवार्ड फॉर देश की धड़कन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। साल 2014 में साथ निभाना साथिया के लिए फेवरेट बहु कैटेगरी के लिए स्टार परिवार अवार्ड जीता। 2014 में ही बेस्ट एक्ट्रेस के लिए इंडियन टेली अवार्ड जीता। उन्होंने साल 2015 में फेवरेट बहु और पत्नी दोनों ही कैटेगरी के लिए स्टार परिवार अवार्ड अपने नाम किया। 2016 में टीवी की सबसे पॉपुलर बहु कैटेगरी के लिए देवोलीना ने जी गोल्ड अवार्ड जीता। आपको बता दें, देवोलीना को अब तक सारे अवार्ड सीरियल साथ निभाना साथिया के लिए मिले हैं। देवोलीना जब एक्टिंग नहीं कर रही होती हैं, तब वो डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, योगा और गार्डनिंग करना पसंद करती हैं। वो खाने में हमेशा नए नए डिश ट्राई करती रहती हैं। आपको बता दें, देवोलीना 2017 में टीवी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक थी। देवोलीना ने अपने हुनर और मेहनत से ये साबित किया है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर आपका क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।